दोस्तों स्टार बेटलजूस जितना हमने सोचा था उससे भी जल्दी सुपरनोवा में जा सकता है। कुछ साल पहले बेटलजूस तारे की चमक में असामान्य बदलाव दिखे थे और बाद में इसकी चमक सामान्य हो गई थी, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट को पता चला है कि बेटलजूस तारे की ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है। अभी यह हमारी पृथ्वी पर से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि स्टार बेटलजूस जब सुपरनोवा में विस्फोट होगा तब यह पृथ्वी पर से कैसा दिखाई देगा? सोवेल कुछ एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि जब यह विस्फोट होगा तब यह पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेगा और कई हफ्तों तक दिखाई देगा। ऐसे सुपरनोवा अंतरिक्ष में यूवी एक्सरे और गामा रे उत्सर्जित करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे पृथ्वी को कोई खतरा हो सकता है? और इसी का जवाब खोजने के लिए साइंटिस्ट ने कुल 31 सुपरनोवा को स्टडी किया और इसका नतीजा भयानक है। उन्होंने देखा कि तीव्र एक्सरे उत्सर्जित करने वाला सुपरनोवा पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसका रेडिएशन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ओजोन को नष्ट कर देगा, और आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर पृथ्वी पर जीवन को खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से बचाता है। हालांकि 31 सुपरनोवा को स्टडी करने के बाद यह भी सवाल है कि क्या पहले कोई ऐसा सुपरनोवा था जिससे पृथ्वी बच गई हो? देखेंगे अगले वीडियो में।